कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। कहता ये देखिए। एक मिनट, अगर तेरे बॉयफ्रेंड का मुंह लोमड़े जैसा है तो तेरा मुंह तो पुस्सी जैसा होगा। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे यार, भले चंगे होगे, मौज ले रहे होगे। तो गाइस, आज हम हवस भरी लड़कियों की वीडियो देखेंगे जिनके डार्क ह्यूमर ने डार्क नहीं रहने दिया, उनको उनके अंदर हवस भर दी। डार्क ह्यूमर की आड़ में वो डबल मीनिंग कंटेंट बना रही है। समझ गए ना डबल मीनिंग कंटेंट क्या होता है? तो आज गाइस हम उन्हें देखेंगे, उनके अश्लीलता की नगरी देखेंगे कि क्या क्या कर रही है वो। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी मैं आपको एक लड़की दिखाने जा रही हूँ जो अपने ह्यूमर से भी ज्यादा डार्क है, जो तुम्हारे और मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क है। उसके घर वाले जब तक लाइट ना जलाए ना, उसे देख नहीं पाते। धुंधला है, धुंधला धुंधला, ये वाला गाना पड़ता है। मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया। कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। कहता ये देखिए। अरे दीदी, तुमने पूरी जिंदगी के ग्वैक 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 कुल्ले करने में निकाल दिया क्या? एक काम करो, दरबारी को भी ऑफर दे दो ग्वैक ग्वैक का, तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर घुसाएगा। और एक बात बताओ दीदी, गोलगप्पा जब तुम खाती थी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था जब तुम उस गोलगप्पे को मुंह के अंदर डालती थी? हमें भी तो बताओ, हमारी ऑडियंस भी तो जाने, हमारी ऑडियंस भी तो पहचाने। आज मुझे रोड पे एक कार दिखी जो कि मुझे बहुत सेक्सी लगी, तो फिर मैंने उसके साथ। ससुर यार, दीदी तुमने तो कार का भी बलात्कार कर दिया। सच में कार भी बोल रही होगी कि भाई मेरा मालिक कहाँ है, बचाओ मेरे मालिक मुझे। पर दीदी एक काम करती, तुम कार में इतना मजा नहीं आया होगा, कार के ना मालिक को बुला देती तो ज्यादा प्रैक्टिकली मजा आता। क्योंकि रियल करने में जो मजा है ना, वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं है। और तुम्हारी तो एक्सपर्टीज हम लोगों से ज्यादा ही होंगी, तुम्हें तो सब पता होगा ना। बात तो सही है। आशमी ने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। एक मिनट, अगर तेरे बॉयफ्रेंड का मुंह लोमड़े जैसा है तो तेरा मुंह तो पुस्सी जैसा होगा। भाई बेंचो, मैं भी इसकी तरह यार डाल जाऊंगा मारने लग गई, मैंने भी हक पार कर दी। यार देखो, मैं तो सही बोल रही हूँ, जब भी तो ये प्रेग्नेंट होगी ना, जब इसका मुंह भी एकदम पूसी जैसा होगा और उसका मुंह लोमड़े जैसा होगा, तभी तो बाहर आएगा ना न्यू प्रोडक्ट। और वैसे भी भाई, क्या क्या कमी थी तेरे में, क्या मजबूरी थी जो तू इस भैंसी के साथ आया? नहीं तू यार अपनी मजबूरी बता दे मेरे को, तेरे पे ना बहुत तरस आता है, तू कैसे इस भैंसी को झेल रहा है? अब पता लग रहा है यार, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट। सहजल ना, सेजल सहजल क्या नाम है इसका, जो भी है, इसको वो देती होगी बहन के टपके। अगर तुमने वीडियो नहीं बनाई ना, जो मैंने तेरी वीडियो बना रखी है ना, लीक कर दूंगी, जल्दी वीडियो बना। भाई मेरे को सच में इसके बंदे पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत तरस, कि उसे क्या क्या क्रिंज झेलना पड़ रहा है। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। सच, कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले? यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद ससुर क्या देख लिया मैंने, भाई इस बंदे ने सच में टट्टी हमने वाली शीट चाट ली है। बहन इतने बैक्टीरिया होते, इतने वायरस होते हैं, तू सही है ना, हॉस्पिटल में तो भर्ती नहीं है ना? या तेरा मानसिक संतुलन थोड़ा खिसका हुआ है, तूने सच में चाट ली? भैंचो शाहरुख खान भी बोल रहा होगा, ये फैन नहीं, ये भैंचो बहन की टकी पागल है ये। सच में यार सेजल, यार क्या चीज की कमी थी यार तेरे में, यार इतनी बकचोदी भाई मुझसे तो सहन नहीं हो रही। सेजल मैंने काम कर, शाहरुख खान के घर चली जा, जब वो सुबह हगेगा ना तो मुंह आगे कर लियो, उसकी टट्टी भी खा लियो। सच में यार ये लड़की ना हद से ज्यादा ही काली वाली काली है, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर से नीचे तक ह्यूमर के साथ साथ सभी काल है।
एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? वह क्या सीन है भाई? तेरा बाप तेरी हरकतें देख के तेरी माँ को पीट रहा है, बोल रहा होगा कितनी चूतिया पैदा कर दी लड़की। अगर उस रात को मैं 30 रुपए का कोई प्रोडक्ट यूज कर लेता या थैली यूज कर लेता तो ऐसा चूतिया प्रोडक्ट पैदा नहीं होता। बहन तेरे तो फ्यूचर में तेरा पति भी तेरे को ऐसे ही पीटेगा क्योंकि तू चूतिया है। तेरा प्रोडक्ट भी चूतिया और बकचोद निकलेगा जो कि बहुत सोसाइटी के लिए हानिकारक होगा। तो ऑब्वियस तू जो है तो पिटना ही पिटना है, तो सीख ले ये चीज। Not bad. ये तो बकचोदी है, यहीं पर मैंने इसकी दिखानी बंद कर दी क्योंकि इससे ज्यादा ना तुम झेल पाओगे ना मैं झेल पाऊंगी इसका कालापन। ठीक है, बहुत देख लिया अश्लीलता, बहुत देख लिया डार्क ह्यूमर। हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितनी हो सकती है, कमेंट करो और भाई फैला दो, मचा दो धूम। और गाइज ख्याल रखो अपना, बाय।